आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक हुई संपन्न। बदरवास में आने वाली होली सवे बारात जैसे त्योहारों को लेकर थाना बदरवास में शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में तहसीलदार प्रदीप भार्गव, थाना प्रभारी राकेश शर्मा और सीएमओ प्रियंका सिंह, एसआई ब्रजमोहन कुशवाहा की मौजूदगी में संपन्न हुई। इस बैठक में आगामी त्योहार को शांतिपूर्वक मनाया जा सके इसके लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में मौजूद तहसीलदार प्रदीप शर्मा ने मौजूद नागरिकों से चर्चा करते हुए बताया कि जहाँ होली जलती है वही होली जलाई जाए, अलग से होली ना जलाएं। उसी के साथ थाना प्रभारी राकेश शर्मा द्वारा बताया गया कि जहां हमेशा से होली जलती है वहीं होली जलाई जाएगी, शांति पूर्वक होली मनाएं। अगर कहीं अशांति फैलाने की कोशिश होती है या शंका दिखाई देती है तो तत्काल पुलिस को सूचना दे। वहीं सीएमओ प्रियंका सिंह ने कहा, रंगों का इस्तेमाल न करते हुए गुलाल से होली मनाए और भाईचारा बनाए रखें। इस बैठक में नगर के सभी वर्ग के गणमान्य नागरिक, समाजसेवी और पत्रकार मौजूद थे। खान साहब ने बताया कि सभी बारात वाला मामला है तो कोई कोई इशू नहीं है, बहुत छोटा सा कार्यक्रम होगी मस्जिदों के अंदर, रात में 8 से 10 बजे के बीच होता है। मुख्य रूप से जो है 18 तारीख को सुबह चल समारोह रहेगा, उसके लिए जो व्यवस्था रहेगी वो तो हो जाएगी। बाकी ऐसा कोई शांति भंग होने जैसा इशू कोई अभी तक नहीं हुआ है। एहतियात के तौर पर आप सभी लोगों से इसको लेकर भ्रम भाग रहे हैं, यदि ऐसी कोई चीज़ हो तो ध्यान रखें और ऐसे ही कोई लोग किसी भी पक्ष में कहीं पर भी दिखे उसकी सूचना तत्काल टीआई साहब को और हमें तत्काल ताकि उनके नियंत्रण पाया जा सके।